बिल्डिंग पर चढ़ी एक लड़की और आत्महत्या का प्रयास। जी हाँ, ये वीडियो किसी फिल्म का दृश्य नहीं, हकीकत है। ये वीडियो गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है, जहाँ राखी के दिन लड़की ने बिल्डिंग की छत पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर डाला। लड़की अपनी जिंदगी से हताश हो अपनी जान देने पर तुली थी। ये लड़की जान क्यों देना चाहती थी ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कैसे ये लड़की बार बार कह रही है कि वो जीना नहीं चाहती, मरना चाहती है। दरअसल लड़की के पिता ने किसी बात को लेकर लड़की को डांट दिया था, जिसके बाद पिता की डांट से आहत होकर ये युवती अपनी जान देने पर आमादा हो गई। एक बार फिर देखिए युवती क्या कहती नजर आ रही है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि अभी आपकी आवाज़ सबने सुन रखी है, अब आपको सब कोई सपोर्ट करेगा, ये लोग सपोर्ट करेगा, हम सपोर्ट करेंगे। सुन, एक काम कर बच्चे, ये बता क्या नाम है तेरा। मैं यहाँ का ACP हूँ, ठीक, स्वप्न सिंह मेरा नाम है, तुम अपना नाम बता। दीपिका, पूरा नाम बताओ। आगे आओ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, इसके बीच में आओ, इधर आओ, इधर आओ, आराम से तुम मेरा वो करो, मुझसे बस बात करो। ये आपके टीचर हैं, अब मैं यहाँ का ACP हूँ, मैं आया हूँ। कितने भाई बहन हो आप ये बताओ। चार भाई बहन हो। कौन से नंबर की तुम हो? सेकंड नंबर की हो। बड़ा वाला तुमसे कौन है, भाई है या बहन है? बहन है। मम्मी कब एक्सपायर की है? 18 जुलाई। इसी 18 जुलाई की। बेटा एक बात बताओ, भाई कितने? एक भाई है। कौन, कितनी उम्र का है? 3.5 साल का। तो वो कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारा जो भी है तुम्हारे पिताजी से है ना, इधर देखो मेरी तरफ देखो, तुम्हारा जो भी संकट है पिताजी से है। आज राखी का दिन है ना, सुन ले मेरी बात, सुन बेटा। मेरी पापा ने मुझे होता है ना कि अपने ड्रीम्स पे आगे बढ़ना, अपने ड्रीम्स को सपोर्ट मिलना चाहिए घर वालों को। चलो तो एक बात बताओ, सिर्फ पिताजी ही सपोर्ट देते हैं? आज राखी है ना, चल तू आ, मुझे राखी बात की, मेरी बहन, मैं दूंगा सपोर्ट। बस अब बता, सबके सामने बोल रहा हूँ, देख रिसोर्स है, इसी की बात, राखी मां, मैं दूंगा सपोर्ट, बस आ जा, चल आ जा, अब तो आ जा। तुझे पढ़ाई में सपोर्ट चाहिए वो करेंगे हम लोग, तुझे जहाँ सपोर्ट चाहिए, और तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोलेंगे तुमको, गारंटी। अब बस चला, राखी बात, चल। मैं अभी सूचना मिली थी, एक लड़की घर पर चढ़ गई थी 2 मंजिला पर, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, लगभग 6 बजे इंदिरापुरम पुलिस को यह सूचना मिलती है कि इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत अभयखंड चौकी के अंतर्गत आने वाले एक हाउसिंग सोसाइटी में 4th फ्लोर पे एक लड़की छत पे चढ़ गई है और आत्महत्या किए जाने का प्रयास कर रही है। तत्काल मौके पे इंदिरापुरम पुलिस फोर्स पहुंचती है, स्वयं SHO इंदिरापुरम वहाँ पे पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुंचती है, और हम लोगों ने रेस्क्यू के सारे जो नॉर्म्स होते हैं वो अपनाया और लड़की से बातचीत करके लड़की को समझा बुझा के फिर वापस नीचे उतारा। क्या कारण क्या रहा है कि लड़की जो छत पे चढ़ी? देखिए, जैसा कि अभी तक जो हम लोगों ने बच्ची से उस समय बात की, उसके बाद बच्ची उतरने के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट होने के कारण बेहोश हो गई है, तो उसको फर्स्ट एड के लिए जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो बातचीत के दौरान जो समझ में आया कि बच्ची की माता का देहांत 18 जुलाई को हो गया था, जिससे उसका कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट था ये, और साथ में कुछ पढ़ाई को लेकर पिता ने कुछ डांट लगाई थी, जिसके वजह से भावुक होकर बच्ची ऐसा कदम उठा रही। आज आपने एक भाई का फर्ज भी निभाया इस लड़की के साथ। देखिए, उसमें ये रहा कि बातचीत में काफ़ी देर तक हम लोग जब बातचीत करते रहे और बच्ची कुछ सुनने को तैयार नहीं हो रही थी, वो बार बार ये अपने पिता के बिहेवियर को लेकर कर रही थी कि पिता जो है पढ़ाई को लेकर हमें वो कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस पर हम लोग आगे आए और हम लोगों ने कहा कि आज रक्षाबंधन का दिन है और हमें भी आप अपना भाई समझिए, और बड़ा भाई भी पिता के समान होता है और हम लोग हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी पाएगी, ये सब बातों को समझाते हुए उसको नीचे उतारा। लड़की के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने लड़की को समझाने की पुरजोर कोशिश की। वहीं आनन फानन में पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ACP ने लड़की की जान बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। ACP इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह के आग्रह पर लड़की नीचे उतरी। ACP कहते नजर आ रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे राखी बांध लो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ, मेरी बात मानो और नीचे आ जाओ। बहरहाल लड़की पुलिस की बात मान छत से उतर गई। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।